दिखा मुझे क्यूट सा मियाओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉगिंग डे। सो काफी लोगों को मेरे से कंप्लेन्स है, मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे और काफ़ी डीएम्स भी देखे, तो काफ़ी लोगों को मेरे कंप्लेन्स है कि आप तुलु हो बट आप तुलु क्यों नहीं बात करते हो, आप सिर्फ हिंदी बात करते हो, इंग्लिश बात करते हो, तो आपको हिंदी तुलु आती नहीं है क्या? तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसे पूछा, बिकॉज मैं ज़्यादा मुंबई में रही हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों ने पूछा कि आपको तुलु आती नहीं है। तो अंचद आलेजी एंक एड्डे तुलु भरपुंड बट मुल पर एयर इज्जे एंक तुलु टू पाते रे, तो यान जस्ट पाते रुचि बट निकल कॉमेंट मंथ पर ना पाते रहे, तो निकल पन ले कि यान तुलु टू ब्लॉग मन पड़ा क्या हिंदी ब्लॉग मन पड़ा, तो निकल इंच मन पर यान अंचने पाते रहे। सो इट्स अ वेरी सनी 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 डे टुडे, बहुत धूप आया है। अभी तुम लोग ने तुलु बोला है तो मेरे को बीच बीच में भी तुलु आ रहा है, तो इन्हीं बारी एड्डे बोलपुदा दिना बोलपुदा दिना सॉरी इन एड्डे बोल पत्सेंड इन जला आते बरसे जीब का अदला चली ले जी, तो एड्डे बोल पत्सेंड एंड सो इनकोंचूर, तो मुझे थोड़ा सा ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो आई एम ड्रिंकिंग दिस योगर्ट ड्रिंक। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैंने मुंबई में ये एक बार ट्राई किया था, नहीं मुंबई में ट्राई नहीं किया था, मुझे इधर आके ये मिला, ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं रहेगा, मैंने शायद से एक्सप्लोर नहीं किया रहेगा, बट मुझे ये सामने दिखा यहाँ पे, और क्यूकुम्बर मेरा फेवरेट है, क्यूकुम्बर है और मिंट है, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये मिले बायो एक्टिव योगर्ट ड्रिंक, यू शुड डेफिनेटली ट्राई, ये बहुत अच्छा है। इट्स वेरी स्वीट एंड वो कुकुम्बर मिंट का टेस्ट आता है, तो इट्स वेरी गुड, एब्सोल्युटली डिलीशियस। रिसेंटली मसई मार्केट गई थी, तो अगर आप केन्या आओ और मसई मार्केट ना जाओ तो ये बहुत ही इंसल्टिंग वाली बात हो जाएगी। मसई मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है केन्या में। मसई मतलब यहाँ के लोगों को मसई बोलते हैं, यहाँ का एक कम्युनिटी है, जगह है, वहाँ पे मसई लोग ज़्यादा रहते हैं, जो ये जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे लोग हैं जो मोस्टली वो रीजन्स में ही रहते हैं, फॉरेस्ट्री एरियाज में रहते हैं, और उन्होंने अपना खुद ऐसे डिजाइंस वगैरह सब बनाते हैं, कार्विंग सब करते हैं, कुछ नए नए चीजें बनाते हैं, तो उनका ही मार्केट लगता है। तो मैं वहां गई थी, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने कार्विंग्स किए हैं, पेंटिंग्स किए हैं, ऐसे वॉल डेकोरेशंस किए हैं और काफी कुछ है। तो वहां से मैं एक चीज उठा के लेकर आई हूँ, उठा के नहीं मतलब प्रॉपरली पैसे दे के बार्गेन करके कुछ लेकर आई हूँ। यस, मैं ये शेर उठा के लेकर आई हूँ, लायन उठा के लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही सुंदर है, और ये वुड से बना है, प्योर वुड, और ऐसा वहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत एनिमल्स बनाते हैं, एज यू नो लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ केन्या, तो ये काफ़ी था। तो इसका एक बैक स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ, तो क्या हो गया, मैं गई थी वहां पे और मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, बिकॉज ये इसका कलर टेक्सचर जैसे ये है, थोड़ा सा यहाँ पे बीच बीच में ऐसे लाइंस बनाए, कार्विंग्स बनाए हैं, ये काफी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैं मुंबई से हूँ तो मुझे बार्गेनिंग स्किल्स है, तो मैं बार्गेन कर रही थी, मतलब मेरे साथ जो है उनके साथ बार्गेन कर रही थी, तो वो जो आदमी है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कह दिया कि मैं बार्गेन नहीं करूंगा, आपको लेना है तो लो, मैं बिल्कुल बार्गेन नहीं करूंगा, मैंने बहुत अच्छा पीस दिखाया एंड हिज द एक्चुअल प्राइस। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है तो कहीं और भी मिल जाएगा, एंड यू वॉन्ट मतलब आप मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे ऐसा वाला पीस कहीं नहीं मिला, कहा मुझे अलग अलग टाइप के मिले, लाइक लायन था जो एकदम पतला सा था, या फिर उसका ऐसे शेड में नहीं था, येलो ही शेड में था, या फिर कुछ ऐसा जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था, दिखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। तो लास्ट में मुझे जाके वही जाना पड़ा और वो अंकल ने देखा कि मैं ढूंढ रही हूँ हर जगह, और ही अंडरस्टूड दैट कि मैं ढूंढ रही हूँ और मैंने देखा कि कहीं भी नहीं मिल रहा है, देन फाइनली उसने मुझे बुलाया कि आपने देख लिया ना सब जगह, आपको दिखा क्या कुछ? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं मिला, क्योंकि ये है अच्छा पीस और ये अच्छा ही दिखेगा, यही है सही पीस, क्योंकि मेरे यहाँ से काफी गया, देन फाइनली मैंने ये ले लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, कि इसको एकदम अकेला फील नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक और ले लिया, तो मैंने दो शेर लिए, सो क्यूट और काफी अट्रैक्टिव भी दिखता है, ऐसा लग रहा है दो
शेर मेरे घर को गाड़ कर रहे। सो ये मैंने खरीदा वहां से। और वैसे ही काफी कुछ चीजें, काफी डेकोरेशन आइटम्स है, एक्सेसरीज है जो उन खुद बनाते हैं, वही उनका स्पेशलिटी है कि उन लोग खुद बनाते हैं वो। और वहां पे अगर आप जाओ मसाई में तो वहां पे खुद कार्विंग करते हुए दिखेंगे, बीड्स बनाते हुए दिखेंगे, बीड से काफी कुछ चीजें बनाते हैं, उनके कपड़े काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर आप केन्या विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली आप मसाई मार्केट जाओ। आपको अगर किसी को गिफ्ट करना है कुछ, काफी लोगों को ऐसे एनिमल्स रिलेटेड चीज काफी पसंद होते हैं, तो इनकेस अगर आपको कुछ गिफ्ट करना है देन मसाई मार्केट इज अ बेस्ट प्लेस टू विजिट। आज आपने मेरा फैशन देखा, आज मैं एकदम पिंकी पू बनी हूँ, पिंक कलर का टी शर्ट एंड एकदम गाल बाल भी एकदम पिंक पिंक लग रहे हैं मेरे। काफ़ी दिन से यहाँ वहाँ जाना हुआ, कुछ घर का काम ठीक से कर पे नहीं हुआ, और व्लॉगिंग भी चल रहा था, काम भी चल रहा था, तो उस चक्कर में ठीक से कुछ रखने नहीं हुआ, तो 3-4 दिन के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं ज़रा नज़ारा दिखा दूँ कपड़ों का, ये है कपड़ों का ढेर, 3-4 दिन हो गया इसको सुखा के, तो आज हम इसको क्लीन करने का काम करेंगे। मौसम को तो मिस नहीं कर सकते, आज का नज़ारा, आज का व्यू, इतना सनी सनी डे। और आपने नोटिस किया ये क्लाउड्स कितने खिले खिले दिखते हैं, वाह सी, बहुत ही अति सुंदर। फाइनली ये रहा कपड़ों का ढेर, अब इसको समेटने में अलग सी मौत आ जाएगी, इतने कपड़े, हे भगवान, हे राम। तो रिसेंटली काफ़ी क्लीनिंग भी हो चुका है घर का, तो काफ़ी कचरा भी जमा हो चुका है उस चक्कर में, तो उसको भी हम नीचे गार्बेज में डाल के आ जाते हैं। थोड़ा सा वॉक भी कर लेंगे इसी वजह से, और अच्छा सा नज़ारा है वो देख के एंजॉय भी कर लेंगे, और सुंदर सा वातावरण है उसको भी मस्त सा एंजॉय कर लेंगे। ये वेस्ट पिज़्ज़ा का डब्बा भी पड़ा है तो इसे भी उसमें डाल लेते हैं और नीचे चलते हैं। अब हम नीचे आ चुके हैं और अब हम चलते हैं डस्टबिन वाले एरिया में। Let's go. ये अस्कारी भैया ने मुझे हेल्प कर दिया, थैंक यू। मैं गई थोड़ा वॉक करने, वॉक कर लेती हूँ। हाय, बहुत अच्छा मौसम है, नीचे आते एकदम फ्रेश 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 फील हो रहा है, इट्स वेरी गुड। अच्छी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। यहाँ का यही प्रॉब्लम है, सुबह एकदम गर्म रहता है और शाम को जैसे ही हो जाता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी स्टार्ट हो जाती है, इतना ठंडी कि आप अपने बालकनी में खड़े नहीं रह सकते, इतनी ठंडी हो जाती है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, ओ ये देखा मुझे क्यूट सा मियाओ, वाओ दिस इज सो क्यूट। ये बहुत ही छोटा है, कार के नीचे मुझे एक पुराना सा बॉल दिख रहा है, शायद से बच्चे यहाँ पे भूल के चले गए हैं। और यहाँ पे मुझे एक और पुच्चे दिखा, ओह देख के भाग गया, ये ब्राउन वाला था बाय द वे। यहाँ का एक स्पेशल ट्री दिखाना चाहती हूँ जो सिर्फ ऑटम में ग्रो होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है, और आई विल शो यू दैट। ये है वो ट्री, ये है पर्पल ट्री, ये सिर्फ ऑटम में ग्रो होता है यहाँ पे, एंड दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल, ऐसे लग रहे BTS वाले है पर्पल कलर के, आई पर्पल यू। कर लिया मैंने बहुत वॉक, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लविंग द वीडियोस, वॉच अगेन एंड अगेन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेट फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय।